अगर आपको याद हो तो नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 50-50 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और भारत के नसीब में हार हुई थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मैच को देखने के लिए पहुंचे थे। चुनाव की तैयारियां उस वक्त चल रही थी। मैच हारते ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेफ्ट लिबरल गैंग की तरफ से, या फिर कहूं कि जितने भी मोदी विरोधी इस देश में हैं, सब ने ट्विटर पर एक ट्विटर वार छेड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक मानो बाढ़ आ गई पनौती शब्द की। कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं। अगर नरेंद्र मोदी उस मैच को देखने के लिए नहीं जाते तो भारत नहीं हारता। ठीक वैसे ही जैसे कल यानी कि 9 जून को T20 वर्ल्ड कप के बीच, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा था और भारत की टीम 120 रन पर सिमट गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उनकी ओपनर जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी। उसके बाद एक जो सोशल मीडिया का जो गैंग है ट्रेंड करवाने वाला पनौती, वो तैयार हो गया और उसने शुरुआत भी कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताने की, क्योंकि 9 जून की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी। देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इतिहास रचा जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो देखिए, जब एक वर्ल्ड कप का मैच, चुनाव प्रचार के दौरान एक वर्ल्ड कप का मैच हारने पर पनौती शब्द ट्रेंड करवाया गया, तो सोचिए जिस वक्त, जिस दिन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और भारत उस दिन मैच हार जाता तो फिर क्या होता। ये उस दौरान की बात है जब विन प्रेडिक्शन में, मतलब जीत प्रतिशत में, लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारत की जो जीत की उम्मीद है वो 15% है और पाकिस्तान की जीत की उम्मीद 85% है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो वापसी की और जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम की गिल्लियां बिखेरी, पाकिस्तानी टीम पस्त हो गई। पाकिस्तानी टीम बूम बूम बुमराह के सामने नहीं समझ पाई कि उसे क्या कुछ करना है और भारत ने आखिरकार आखिरी गेंद पर वो मैच जीत लिया। भारत को आखिरी ओवर में, पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 18 रन की जरूरत थी लेकिन भारत ने मैच 6 रन से जीत लिया। लेकिन देखिए, पनौती शब्द की जिसकी मैं बात कर रहा था, वो पनौती शब्द किस तरीके से ट्रेंड करवाने की कोशिश की गई। दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने कुछ ट्वीट शेयर किए हैं और बताया है। तेजिंदर पाल बग्गा ने लिखा है, कांग्रेस हैड प्लान टू रन पनौती एंड शेम मोदी इफ इंडिया लॉस्ट यस्टरडे एट्रिब्यूटिंग इट टू PM ऑथ सेरेमनी। कांग्रेस IT सेल वाज आस्क्ड टू क्रिएट ह्यूज कंटेंट हैशटैग फॉर इट एंड दे वर प्रेइंग फॉर पाकिस्तान्स विक्ट्री, सम स्टार्टेड इन एडवांस इन अवर एक्साइटमेंट। मतलब इन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो IT सेल है वो कंटेंट ढूंढ रहा था और हैशटैग चलाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रहा था, जिससे मोदी को पनौती बताया जा सके, मोदी को बदनाम किया जा सके। विनोद कापरी का एक उन्होंने ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, पनौती युग हैशटैग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक और ट्वीट है जो लिखा है दीन दयाल जाट ने, वो लिखते हैं, ये पनौती क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्या सच में पनौती। देखिए किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश की गई। गुरपंत संधू ने लिखा, पनौती फिर प्रधानमंत्री बन गया और भारतीय क्रिकेट टीम के उल्टे दिन शुरू, मतलब ये 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी गया। एक और ट्विटर यूजर है दिलीप, उन्होंने लिखा, आज किसी पनौती ने शपथ लिया है और ये हाल हो गया वर्ल्ड कप में। तो सोचिए अगर पाकिस्तान जीत जाता तो फिर किस हद तक कांग्रेस पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी जिन लोगों से अपना एजेंडा चलवाती है, वो उनका वो क्या करते, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को वो पनौती बनाने की कोशिश करते और बनाने की कोशिश ही नहीं करते। जिस तरीके से 2019 में लाखों करोड़ों ट्वीट्स करवाए गए, ट्रेंड करवाया गया पनौती शब्द, कितने शर्म की बात है। एक देश के प्रधानमंत्री को उसी देश के रहने वाले लोग पनौती कहते हैं और ट्रेंड करवाते हैं पनौती। अगर किसी कारण से ये वाला मैच भी पाकिस्तान जीत जाता, भारत हार जाता, तो फिर देखिए किस तरह का एक ट्विटर वार छेड़ा जाता और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाता। क्यों प्रधानमंत्री मोदी खेलने नहीं जाते हैं, या इससे पहले जो मैच भारत जीता है या हारा है, क्या उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका रही है? नहीं, वो बल्कि उस दौरान भी मैच में हारने के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम में गए, वहां टीम का मनोबल बढ़ाया और कहा कि और मौके आपके पास आएंगे, उनमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखिए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से अब लोग
व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर आघात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन जैसे लोगों पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। आज के एक साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध कार्ड और चाय ले अठियार बैठ गई, चाय लेर बैठ गई तो यहाँ नाड़ सूस नीचे को नहीं, फिर मैं तो ठीक पड़ गई, फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिस्चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था, कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका, तो इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं, तो मंगाया तो उन्होंने गोंसिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया और ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दिया, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।